हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल पर स्वागत है। फिर से ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगली बार आप भी फिर से सुन लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एक्सचेंजेस में स्ट्रेटजी मैंने जो पिछले डेढ़ दो साल में सीखी है, डेढ़ दो साल 2021 हाँ बराबर 21 सवा साल हो गए मुझे, 21 जनवरी से मैंने क्रिप्टो एक्सचेंज में एंट्री करना शुरू किया है। और मैं इंडियन एक्सचेंजेस को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था, और तब मैंने सीखा कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जिसमें आप अपना कमीशन भी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसमें पैसा भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, एक्चुअली इसमें वही पैसा आपको डालना है जो अगर आप घुमा भी दें तो आपको ज़्यादा फ़र्क न पड़े। तो देखिए, मैं घुमाने की बात इसलिए हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कोई भी आप बोलेंगे कि, तो इसमें वही पैसा डालने की बात हम लोग करते हैं जिसका आपको पिछले अगले एक साल तक कोई ज़रूरत ना हो। मिनिमम एक साल तक वो पैसा किसी भी इमरजेंसी केस में आपकी ज़रूरत ना हो, तभी आप इसमें लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं जहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी तीन रूल हैं आपको अगर आप इंडियन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे 1000 वाली लाइन खींची। आपके पास अगर कम पैसा है तो आप 100 वाली लाइन, 500 वाली लाइन ऐसा बना सकते हैं। अब ये लाइन कैसी है, मैंने जैसे 1000 की लाइन बनाई है, तो 1000 रुपये का शेयर खरीदता हूँ। जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ नया, मान लो इसमें ऐड होता है कॉइन्स, आज के टाइम पे तो मेरे पास हर शेयर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 1000 रुपये का शेयर खरीदता हूँ इसमें, और वो 1000 रुपये जब 40% यानी प्लस 40% बनता है यानी 1400 रुपीज़ क्रॉस करता है, तब मैं उसमें 25% बेच देता हूँ, 25% बेचता हूँ, ठीक है। मैं 40% नहीं बेचता, 25% बेच देता हूँ टोटल शेयर का, ठीक है। पहली चीज़ वो है। तो अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कोई भी 1400 के ऊपर नहीं है, तो मैं अभी बेचने वाला नहीं हूँ। अब मैं क्या दूसरा देखता हूँ कि सॉरी दोस्तों, अब जैसा दूसरा रूल बोला मैंने, दूसरा रूल ये है कि जब कोई शेयर मान लो 1400 के नीचे यानी 1000 के नीचे -40% होता है, -40% कितना हुआ 600, यानी अप्रॉक्सीमेटली 600 के नीचे जाता है। तो अब एग्जैक्ट 40% नहीं है वो, लेकिन फिर भी 600 एकदम इजी रखने के लिए मैंने 600 मान लिया। 600 के नीचे जाएगा तो मैं उसमें ऐड करूँगा। तो अभी आप देखेंगे तो एक वीडियो मैंने आज सुबह डाला था, जब वो 600 के नीचे गया था तब भी मैंने ऐड किया था, और अभी एल्गो और कोटी ये दोनों ही 600 के नीचे हैं। तो ऐड कितना करना है, हमें 1000 के डिफरेंस में ऐड नहीं करना है, हमें केवल 400 रुपीज़ ही ऐड करने हैं, राइट। तो अब हम इसमें एल्गो में भी 400 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जितने इंडियन एक्सचेंजेस हैं ना, उसमें ऑलरेडी बहुत लेट स्विचेज ये कॉइन्स की एंट्री होती है, राइट। अब कॉइन्स की एंट्री लेट ही हुई है तो आप क्या कर लोगे, वैसे ही वो 100 गुना 200 गुना बढ़ के आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी 78% बोली है, बट इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही बेकार है। और हकीकत में बोला जाए तो ये फरवरी महीना है, राइट। पिछले साल भी 2020 में बहुत अच्छा बढ़ा था, फिर उसके बाद अब जनवरी फरवरी 2021 में देखेंगे तो जनवरी में भी मार्केट काफ़ी अप गया था, फरवरी में भी अप गया था, मार्च में गया था, फिर अप्रैल में जाकर डाउन हुआ था, उसके बाद जो लुढ़का लुढ़कता ही चला गया, राइट। तो इसी कारण ये अभी भी निगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि जनवरी फरवरी में मार्केट अप था। तो अभी मुझे कितना खरीदना है, 400 रुपीज़ का मुझे नया स्टॉक ऐड कर लेना है, इसका कॉइन एल्गो का। तो मैं 400 रुपीज़ का एल्गो का कॉइन ऐड कर लूँगा, मैं एल्गो ऐड कर लिया, ठीक है। चलो अभी ये एल्गो ऐड हो गया, ठीक है। अभी कोटी को देखेंगे, कोटी 580 है भाई, मुझे तो बस 400 ऐड करना है, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, इसीलिए मैंने बोला है। अब आपका काम क्यों, जब आप नेगेटिव वाले को खरीदते हो ना, तब काम के पता चल जाती है, वही जो बोला थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि आप जो भी पैसा विड्रॉ करो, जब कोई पैसा बन जाए और उसको जब विड्रॉ करो, तो वो आपके वॉलेट में यहीं पे रहेगा, वो आप अपने बैंक अकाउंट में तभी लोगे जब वो 10,000 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा, राइट। आपने अभी देखा था कि वो करीबन 1400 या 1200 रुपए कुछ था वहाँ पे, तो वैसे ही जब वो 10,000 पहुँचेगा, तब वो 10,000 में 5,000 आप अपने अकाउंट में डाल लीजिए, यानी बैंक अकाउंट में आपके, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उसको आप FD RD रख लीजिए या इमरजेंसी फ़ंड में। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। इमरजेंसी फ़ंड वो होता है जो आपके सैलरी, यानी आपकी सैलरी मान लो XYZ है, तो वो
मल्टीप्लाइड बाय 9 होना चाहिए, यानी आज अगर आपकी जॉब या आपका बिजनेस बंद हो गया तो अगले 9 महीने के लिए आपके पास वो सैलरी होनी चाहिए। यानी मान लो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है आज के टाइम पे, तो आपके पास 9 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में एज अ इमरजेंसी फ़ंड होने चाहिए। एज अ इमरजेंसी फ़ंड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसको कहीं पे भी रख लो, लिक्विड वाले बहुत चीज़ें रहती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लिक्विडेट करके आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो वो। तो अभी चलो मैं बाई कर लेता हूँ 400 का, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। मैंने इंडियन एक्सचेंज, ये केवल इंडियन एक्सचेंजेस के लिए अप्लाई होता है, खासकर अभी जैसे कॉइन स्विच में बता रहा हूँ, वजीरएक्स, सन क्रिप्टो, ये सब में भी अलग अलग फंडा है, कॉइन डीसीएक्स में अलग अलग फंडा है। अभी आप देखो तो अभी मेरे दोनों स्टॉक ख़त्म हो गए, अभी ये बाकी आवे, ईयर फाइनेंस, ये सब 600 के ऊपर है, तो मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, राइट। मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो अब देखिए मेरे पास केवल 1100 रुपये बचे हैं भाई, अभी भी 1100 बचे हैं, यानी अभी भी मैं करीबन 3 और, जो स्टॉक मार्केट और डाउन होता है तो मैं और खरीद सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पे ये पैसा काम आता है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, अभी जो भी स्टॉक, जो भी कॉइन्स मैंने अभी खरीदे उनकी क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा हो गई। वो कल को बढ़े तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी बढ़े तो फ़र्क क्या पड़ता है, हम लोग कर ही लेंगे। लॉन्ग टर्म में ये हमेशा रिटर्न दे के जाता है कोई भी चीज़ है, और यहाँ पे भी 1.89% है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब फिर अगले वीडियो में भी मिलते हैं, होप सो कि अगले बार जब मैं वीडियो डालूँ तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगले वीक में क्रिप्टो बढ़ेगा। जिस हिसाब से इंडिकेशन आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगले नेक्स्ट 15 डेज़ में क्रिप्टो अच्छा खासा बढ़ेगा। तो आप अभी पैसा चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी बेचें ना प्लीज़, और कभी भी निगेटिव स्टॉक कॉइन या शेयर कभी भी ना बेचें। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि अभी मेरा 500 करके करीब पहुंच गया है, और मैं कोई उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये 500 मेरे सब्सक्राइबर को क्रॉस कर जाएगा। और प्लीज़ लाइक कर लीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो बनाना है, देखिए मैं इतना एडिटिंग और वो करके वीडियो नहीं बना सकता, जो भी मेरे दिल में आता है मैं वही बोलता हूँ, जो मुझे समझता है मैं वही बताता हूँ। आपको उससे ज़्यादा समझना है तो गूगल ऑलरेडी है, जहाँ पर हमसे बड़े चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल होती हैं, गूगल या यूट्यूब पर भी वो चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो, हर हर महादेव।